रजनी भोपाल से। सर, आज जो आप लोग जंतर मंतर पर धरना कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ओशो आश्रम को बचाने के लिए धरना चल रहा है। क्या ऐसा हुआ है कि आप लोगों को ओशो आश्रम को बचाने के लिए धरना करना पड़ रहा है? एक्चुअली ओशो आश्रम के साथ साथ हम बात कर रहे हैं ओशो लेगेसी बचाने का। ओशो भारत की नहीं बल्कि पूरी मनुष्यता की धरोहर है। पूरे एक वर्ल्ड के लिए जो है उन्होंने एक मनुष्य, विकसित मनुष्य कैसे पैदा हो और कैसे जीवन को जिया जाए, इसका एक संदेश दिया है, एक शास्त्र दिया है, एक आइडियोलॉजी दी है। ओशो की 650 पुस्तकें हैं, उनके हजारों टेप हैं, बहुत सारे चित्र हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आंसर सेशन हैं। इन सबको सिस्टमेटिकली जो ओशो आश्रम पुणे जो कि मुख्य जो है जगह है ओशो की, तो वहाँ से ओशो की साइन की हुई हजारों बुक्स हैं, उन सबको धीरे धीरे डिस्ट्रॉय किया जा रहा है या उनको हटाया जा रहा है। साथ ही ओशो के आश्रम के कुछ पार्ट्स को बेचने की भी कोशिश की जा रही है और इसको रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार से जो है अनुरोध किया गया है। राज्यपाल ने भी वहाँ पर जो है लिखा है कि उस पर एक FIR दर्ज होनी चाहिए, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं। इसलिए हम जंतर मंतर पे अपनी मांगों के साथ इकट्ठे हुए हैं। 25 नवंबर को भी हमारे बहुत सारे ओशो प्रेमी ओशो सन्यासी इकट्ठे हुए हैं और ये आवाज़ जो है जो आप लोग देख रहे हैं उतने लोगों की नहीं है। ओशो के करीब 20-30 लाख सन्यासी हैं दुनिया में, उन सब की आवाज़ है। मैं यहाँ बोल रहा हूँ और भी लोग यहाँ बोल रहे हैं, इसका मतलब नहीं है कि ये मेरी आवाज़ है। 20-30 लोगों की आवाज़ है और ये कहीं ना कहीं से किसी ना किसी रूप तक आपके चैनल तक पहुँचती रहेगी। तो हमारा अनुरोध ये है कि ओशो का जो ट्रस्ट है उसकी ट्रस्ट की संरचना चेंज की जाए। गवर्नमेंट अगर ट्रस्ट की अगर संपत्ति का दुरुपयोग हो रहा है तो उसकी जांच कराई जाए, उसकी कोई हायर लेवल कमेटी बनाकर उसकी ऑडिट कराई जाए, उसके आय व्यय के लेखे जोखे देखे जाएं और उसके मैनेजमेंट को चेंज किया जाए और ओशो के जो ध्यान है या ओशो के जो कंटेंट है जिसको इंटरनेट से और पब्लिक से जो है दूर किया जा रहा है उसको पुनः जो है पब्लिक तक पहुंचाया जाए। क्योंकि ओशो का एक संदेश था कि टेक मी टू मासेस, मुझे लोगों की तरफ ले चला। तो हम जो यहाँ पर आए हैं ओशो के उस गुरु के हमारे जो संदेश था, गुरु की जो हमारे लिए आदेश था, उसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं कि उनका जो 650 पुस्तकों में और हजारों घंटों के टेप में जो संग्रहित है वो लोगों तक पहुँच सके और उसको डिस्ट्रॉय होने से समय के पहले बचाया जा सके।